गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक रेप पीड़ित ने खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा है कि रेप पीड़ित को शिकायत वापस लेने के लिए लगातार धमकियां मिल रही थी। 25-26 साल के अपने घर पे आग लगाई। जी अच्छा, तो अभी पीछे जैसे उनके साथ कुछ रेप वगैरह की घटना भी हुई थी, तो उसमें कुछ दूसरे गांव के लोग थे, वो भी कहाँ हैं वो लोग? वो लोग अपने गांव में रहते हैं। जी कुछ उसमें एक जेल में भी है। अच्छा, जैसे सुनने में आ रहा है कि वो लोग अभी कुछ दिनों से उन पर दबाव बना रहे थे फैसले का, कैसी बात भी सच दिखाई दे रही है? आता रहता है, उस लड़के के पिता भी आता है। तो पुलिस यहाँ मौके पाई थी? अभी पुलिस आई। कुछ कार्रवाई करने की बात कर रही है? कार्रवाई करने की बात। कहाँ होगी महिला वो इस टाइम? वो दासना भर्ती नहीं की, गाजियाबाद नहीं की। जी बहादुर अस्पताल में ले गए। हालत गंभीर है। हाँ, हालत। आपको बता दें कि आरोपी जिसका नाम पिंटू यादव है, वो बीजेपी नेता का भाई है। उसी के परिवार की तरफ से लगातार केस वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही थी। परिजनों के मुताबिक लगातार मिल रही धमकियों से पीड़ित बहुत डरी हुई थी। उसके करीब 80% जलने के कारण दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि आरोपी पिंटू अभी जेल में है। न्यूज़ ब्यूरो।